जी मॉम, आपने बुलाया था? दानिया को लेके नहीं आए वापस? मैं भी ले आता हूँ। गुड, अपनी बीवी को फौरन घर लेके आओ। और सुनो, कैम से रابطہ करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रही। तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी है अपनी पॉलिटिकल सीट को बचाना। एक शादी करके तुमने अपनी पार्टी टिकट को एक रिस्क में डाल दिया है। कहीं पार्टी तुम्हारा टिकट वापस ना ले लेना, फिर क्या होगा? पार्टी जो सोचती है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे वैसे भी पॉलिटिक्स करने का कोई शौक नहीं था। तुम्हें बेशक शौक ना हो, लेकिन अपने खानदान के लिए ये सब करना होगा तुम्हें। As usual, शौहर गन करते हैं और बीवी आके संभालती है। गो ब्रिंग योर वाइफ बैक। चलो, बहुत हो गया। शर्वो, शर्वो। जी साहब जी। ये जग शोकेस में रख दो जाके। सफिया बेगम का है, टूट गया तो अच्छा नहीं लगेगा। जी बेहतर साहब जी। सॉरी नाना जान, वो मैंने शोकेस से जग निकलवाया था, वो बर्तन कुछ कम पड़े थे आज, सॉरी। नहीं बेटा, इसमें सॉरी करने की क्या जरूरत? सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम मालकन हो। मैं और तुम्हारी नानी तो बस रखवाले थे। मैं देख के आता हूँ जी। लगता है शहबाज आ गए। तुमने उसे कॉल की थी? नहीं नहीं, खुद ही आए हैं, मैंने कॉल नहीं की थी। साहब जी दुल्हन ही आए हैं। सलामकुम नाना जान। वालेकुम सलाम। आओ बेटे, खाना खाओ। नहीं जी, वो घर पे खाना लगा हुआ था। खाना तो हर घर में होता है मियाँ, लगी हुई रोजी रोटी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आ जाओ।